चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा आयोजन इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद जी की 155वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन कॉलेज परिसर में हुआ, जिसमें स्वामी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान युवाओं से किया। अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी धवल दीक्षित ने कहा कि हमें अपने समर्पण, श्रेयता और दिव्यता, इन तीनों के बिना ना तो व्यक्तित्व का विकास संभव और ना ही देश का विकास संभव है। स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि आत्मविश्वास और बिना लक्ष्य निर्धारित किए मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें स्वामी जी कहते हैं संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। राम सेवा समिति से पधारे अंकित वाजपेयी ने कहा कि स्वामी जी सेवा समिति में पधारे अंकित वाजपेयी ने कहा कि स्वामी जी विश्व में भारतीय संस्कृति विचार कर भारत का परिचय लाया था। पूरा विश्व भारत जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सबको प्रधानाचार्य नक्षत्रपाल सिंह ने सबका आभार व्यक्त किया। संचालन डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा ने भी सबका। सर आज क्या कार्यक्रम? ये युवा दिवस है, आज 12 जनवरी है, तो इसमें युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से तो उनका दर्शन है, वह हमारे युवाओं को और हमारे समाज को एक नई दिशा देता है। इससे भारत देश का एक गौरव और उसकी उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर आज राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एक नियमित शिविर के श्री डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा और डॉक्टर राजीव कुमार जी दोनों दो इकाइयाँ हैं। इस युवा समाज की एक ऐसी संरचना की है कि समाज में होने वाले जो भी कार्यक्रम हैं वह बच्चों के पटल पर लाए जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो युवाओं के लिए एक नारा दिया था कि उठो, जागो और तब तक प्रयासरत रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। इस प्रकार से दूर दृष्टि, पक्का इरादा के रूप में उन्होंने इस देश के 8 भागों को उन्होंने ऐसे चीज़ें निहित की हैं कि मानव यदि चाहे तो वह सृष्टि का एक निर्माता है। वह अपने कर्म से, अपनी शिक्षा से, अपने नियमित और संयमित विचार से, अपने स्वास्थ्य के प्रति, इस समाज के लिए जब तक वह नहीं सुधरेगा तब तक स्वयं दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। तो युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि उठो और जागो। प्यारे बच्चों, हे युवाओं, तुम इस देश की जननी के सपूत हो, तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए। ये हमारा देश खास हिमालय पर्वत से लेकर आसाम तक और कन्याकुमारी से लेकर आपके पाकिस्तान की सीमा कांडला तक, गुजरात तक और बंगाल की खाड़ी तक फैला है। इस देश को अपना कुटुंब समझो और अपनी एक प्रतिभा और अपनी एक तल्लीनता और सघनता और पक्के इरादे के साथ में इस देश की जो भी कार्य आप सीखें, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, पक्का इरादा होना चाहिए, पक्की एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के युवाओं के लिए खास तौर से प्रेरित किया गया है, देश की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए आपको पूर्ण रूप से आस्था के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा, कर्तव्य अच्छा करना होगा, सोचना होगा और दूसरों के लिए आप एक मार्गदर्शक तभी बन सकते हैं जब स्वयं को सुधार लिया। तो आज के युग में आप विवेकानंद जी की क्या भूमिका मानते हैं? हाँ, आज के युग में स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी महती भूमिका है कि अगर आज चरित्र का जो ह्रास हो रहा है, जबकि स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि मनुष्य में चरित्र निर्माण और विचार की क्रियाशीलता और मानव का एक सच्चा अपने देश के प्रति रुझान और माता पर त्रिय मात समान उन्होंने माना है, दूसरे की स्त्री को माता के समान, ऐसी भावनाओं के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देश की उन्नति तभी संभव है जब युवा स्वस्थ होगा, जब युवा शिक्षित होगा, जब युवा का संकल्प एक दृढ़ संकल्प होगा, अच्छे विचार होंगे और कर्तव्य के लिए वह आलस को दूर छोड़ भगाएगा। ऐसी भावनाओं के साथ उन्होंने देश की संरचना में, अपने उद्बोधन में अमेरिका के लिए भी वहाँ भाइयों और बहनों कर एक ऐसा शिकागो में जाकर भाषण दिया जिससे 0 पॉइंट से भी
तमाम प्रकार के वहाँ के जो भी निवासी थे वो प्रभावित हुए और देश का नहीं पूरे भारत देश का हमारा वहाँ नाम हुआ और इस ऐसे सम्मेलनों को उन्होंने अटेंड किया और बहुत अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो ये देश पता नहीं कहाँ पहुँचता ऐसे उद्बोधन के माध्यम से, ऐसे कर्तव्य प्राणता के माध्यम से, सत्यनिष्ठा के माध्यम से, सत्यता और धर्म के माध्यम से सबको भाईचारे की भावना दी। जय हिंद, जय भारत।